आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम है या फिर झाइयाँ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो घर बैठे ही। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके किचन में ही जाकर के आपको कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना है जिसकी वजह से जो आपके रिंकल्स एंड पिम्पल्स एंड जो भी प्रॉब्लम है झाइयों की, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको मिलने वाला है 100% रिजल्ट। और ये बहुत ही सेफ है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए हमारी स्किन जो है यंग दिखती है और आप बहुत ही ज़्यादा खिले खिले आपकी स्किन होगी। साथ ही साथ आप अपने स्किन को प्रेप भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आपको लेना है यहाँ पर 1 से 2 बड़े चम्मच दही। दही में लैक्टिक एसिड बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जिसे हमारे स्किन पे जो कालापन होता है, जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व होती है। 1 बड़े चम्मच आप इसमें एलोवेरा जूस ज़रूर ऐड करिए, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन है बहुत ज़्यादा चमकदार होती है और स्किन से जितनी भी टैनिंग की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम भी चली जाती है। इवन बहुत सारे लोगों को पिंपल्स की और जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम भी इसमें 100% कवर होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है कस्तूरी हल्दी। जी हाँ फ्रेंड्स, कस्तूरी हल्दी से जो आपके पिगमेंटेशन या फिर जो दाग धब्बे कालापन जो आपके स्किन पे दिख रहा है, वो प्रॉब्लम आपकी बहुत ही अच्छे से जड़ों से ख़त्म होती है। उसके बाद आप यहाँ पर नारियल का तेल ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आपकी स्किन को एक बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइज मिलता है, जिससे कि ब्लेमिशेस जो होते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है और इसका जो पैक बना करके आप रेडी कर लोगे, उसे अपने फेस पे लगा लेना है। तो आप अपने फेस को सबसे पहले मॉर्निंग टाइम पे इसे क्लीन कर लीजिए या इवनिंग टाइम पे, इसे दोनों टाइम पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो चुकी है, तो मैं दही का यूज़ भरपूर करती हूँ, जिससे कि टैनिंग भी निकल जाती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम भी निकल जाती है और जो कालापन है स्किन से वो भी दूर हो जाता है। तो अच्छी तरह से लगा कर 10 से 20 मिनट इसे मसाज करना है, उसके बाद इसे 10 से 20 मिनट लगा करके छोड़ना है। आप देखोगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगी। वीडियो पसंद आए डू सब्सक्राइब।